जबकि अमरीका में कबल इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी भरपूर हिस्सा ले रही है। बोली उसके नुमाइंदे कामरान जिलानी इस वक्त साथ मौजूद है वोटर के, कामरान से जानते जी। वोटर कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी जितनी भी है मोस्टली 60-70% में कहता हूँ वो इस वक्त रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रही है। तकरीबन पहले दिन 32,000 वोट्स पड़े हैं, दूसरे दिन जैसा लारक, और आज के दिन भी अगर देखें तो यहाँ पे बड़ी सी लाइनें लगी हुई हैं। जो वेव चल रही है, जो तीसरा दिन बता रहा है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी आके वोट दे रही है, जस्ट अनबिलीवेबल। हम समझते हैं कि कम ही एक वाहिद इंसान है जो इस पूरे वर्ल्ड में पीस ला सकता है। चार साल में जो हमने देखा है वो हमने पूरी लाइफ में नहीं देखा, तो अब हमें कुछ चेंज लेकर आना है कि हम अपने फलस्तीन बहन भाइयों के लिए कुछ आसानी कर सकें, तो इसलिए हम रिपब्लिकन को इस पर चूज कर रहे हैं। फोर्ट बेन पहला काउंटी है जिसने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी, और डेमोक्रेट ने भी फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी। आई वॉज अ डेमोक्रेट बट नाउ आई एम अ रिपब्लिकन। वजह ये है कि जिस तरह की इन्फ्लेशन आई है, जिस तरह की चीजें मूव हुई है, उससे थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।